हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा एक काला टोकन के बारे में। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है और सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या एक इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है। तो डीप डाइव करूंगा एक काला टोकन के ऊपर। तो होप आप लोग ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ट्विटर पर मेरे को फॉलो करें। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, ये अभी टोकन रिसेंटली आई थिंक हफ्ता 10 दिन हुआ लॉन्च हुआ है और सारे मेजर एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। बाइनेंस पे भी है और कुकॉइन पे भी ये लिस्टेड है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही हाइप्ड प्रोजेक्ट है ये। प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 2-2.5 साल से डेवलपमेंट में है और काफी इसके अंदर हाइप भी है और लोग बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इसके अंदर बैकर्स भी हैं। पेंटेरा, पॉलीचेन, जितने भी बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो टोकन है ACA, जैसा कि मैंने बताया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरे बैकर्स की लिस्ट है। तो ये कह रहा है कि ये डीफाई हब ऑफ पोलका डॉट बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इसका डेफिनेशन है, काला इज द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नेटवर्क एंड लिक्विडिटी हब ऑफ पोलका डॉट, इट्स लेयर वन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म दैट इज स्केलेबल। तो फॉरगेट ऑल द टेक्निकल वर्ड्स, ऑल द जार्गन्स। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसको बताऊं एकाला के बारे में, तो एकाला जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स। पूरा डीफाई का एक बड़ा सा टर्मिनल जो है उसको ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मल्टी चेन होगा, क्रॉस चेन होगा। मतलब जितने और भी जो चेन्स हैं वो इंटरऑपरेट कर सकेंगे एकाला के साथ। ये एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, फुल स्टैक मैं बोलूंगा ये डिफाई सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि जस्ट एन एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन लेयर नहीं है ये। मैं बोलूंगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके चल रहा है, यानी कि इसका पूरा का पूरा एक लेयर वन ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर एप्लीकेशन है। बट जो एप्लीकेशंस हैं विच इज मोर टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि डीफाई के लिए ये एक ब्लॉकचेन है, स्पेशली फॉर डीफाई, कस्टमाइज्ड डीफाई नीड्स के लिए ये पूरा का पूरा स्टैक जो है वो एकाला क्रिएट कर रहा है। तो होप आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल वर्ड में समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या होगा, अभी जो डीफाई है वो काफी आइसोलेटेड है। मतलब इथेरियम का अलग चेन है, फैंटम अलग चेन है और आप ब्रिज भी यूज कर रहे हो, मतलब थिंग्स हैव स्टार्टेड टू इंटरऑपरेट, बहुत सारी चीजें हो रही है। बट ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दे रहा है जहां पे स्पेशली डीफाई के नीड को ये कैटर कर रहा है। यानी कि आप इथेरियम के ऊपर जो भी लिक्विडिटी है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उसको आप इजीली ब्रिज कर सकते हो थ्रू ईवीएम, ईवीएम कंपैटिबल लेयर वन ब्लॉकचेन एकाला। तो अगर मैं एकाला को समझाने की कोशिश करूं तो ये एक लेयर वन भी है, लाइक योर एवैक्स, फैंटम, कार्डानो, एंड ये एप्लीकेशन लेयर भी है, जैसे कि इसका डेक्स भी है, इसका एलपी आप क्रिएट कर सकते हो, स्टेबल कॉइन स्वॉप कर सकते हो। तो पूरा का पूरा डिफाई एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ एकाला ब्लॉकचेन। तो ये है, इसीलिए ये बोल रहा है द डिफाई हब ऑफ पोलकाडॉट। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और बहुत ही लॉन्ग टर्म का ये प्रोजेक्ट है और इसका जो गोल है, पूरा मास जो क्राउड है, जो ट्रेडिशनल मासेज है उसको कनेक्ट करना चाहता है इनटू डीफाई वर्ल्ड। जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके चल रहा है। अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी लिक्विडिटी इथेरियम से आ रहा है या अदर चेन से आ रहा है या जो भी ये क्रिएट कर रहा है, उसको ऑन टॉप ये अलग अलग बैंक्स के साथ और फिनटेक के साथ इंटीग्रेट करेगा, जहां पे जो यूजर्स हैं, जो नॉर्मल रिटेल यूजर है, विदाउट नोइंग कि वो एक क्रिप्टो का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, दे विल एक्सेस दी होल स्टैक ऑफ एकाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटीएम है, एक फिनटेक है, तो पेटीएम जो है अगर इंटीग्रेट करता है एकाला के साथ, तो जो भी आप लोन लोन लेते हो, लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रांजेक्शंस जो भी करते हो, वो एकाला का जो अंडरलाइन टेक होगा वो एकाला का होगा, बट ऑन टॉप यूजर्स विल इंटरैक्ट, विल डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विदाउट नोइंग कि हाँ वो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा एक अप्रोच है। इसके लिए इसने एक फिनटेक के साथ इंटीग्रेट भी किया है, Current.com, US का एक फिनटेक बैंक है, पेमेंट सोल्यूशन है, आई थिंक 3 मिलियन यूजर ऑलरेडी है। तो ये इसका पूरा का पूरा अप्रोच है। तो मतलब
चीजें जब कुछ कुछ भी इनोवेशन होता है तो पहले बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज्यादा क्योटिक होता है, मतलब चीजें हो रही है बट एक बिगर, एक लार्जर स्केल पे कुछ नहीं हो रहा है। तो एकाला का ये विजन है कि जो भी क्रिप्टो है, जो भी डीफाई एप्लीकेशन से अलग अलग कैटर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द टेक्निकल पीपल लाइक अस, हम लोग समझते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिटेल उनको कुछ भी नहीं पता है। तो एक इसको स्ट्रक्चर्ड पैकेज प्रोडक्ट बना रहा है और इट विल कनेक्ट ट्रेडिशनल रिटेल यूजर्स, मतलब इसको मैसेज की तरफ लेके जा रहा है। दैट इज द विजन ऑफ एकाला। तो बहुत बड़ा विजन है और मैं काफी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मतलब सीरियसली। बट हाँ, वील टॉक अबाउट वैल्यूएशन, क्योंकि देखो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये सही वैल्यूएशन है या नहीं है। ये सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको एक ग्राफिक के थ्रू समझाना चाहूं कि इसका क्या अप्रोच है, जैसा कि आप देख सकते हो, जो अभी भी मैंने बताया, एकाला का चेन होगा, उसपे डेक्सेस होंगे, स्टेबल कॉइन के डेक्सेस होंगे, यूनिस्वॉप जैसा कुछ डेक्स होगा, ईल्ड इंजिन्स होंगे, ईल्ड एग्रीगेटर्स होंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो होंगे वो इसका ईवीएम यूज करके और इस पे बिल्ड करेंगे, उस और जितने भी एप्लीकेशंस होंगे उनके अलग अलग डाउज होंगे, और ये कंप्लायंस पे भी इसका बहुत फोकस है। फिर ये आप देखो, बिल्कुल जो टॉप अप्रोच है वो फिनटेक को और ये जो रिटेल ड्रिवन जो भी एप्लीकेशन है उनको इंटीग्रेट करना चाहता है। तो ये जो है आप इसके थ्रू समझ सकते हो। और एक और एक छोटा सा अगर ग्राफिक के थ्रू आपको समझाना चाहूं तो ये इसका पूरा का पूरा स्टैक है, जैसा कि आप देख सकते हो। जो ये इसका लेयर वन ब्लॉकचेन है वो यूज कर रहा है पोलका डॉट का सिक्योरिटी, पोलका डॉट का कंसेंसस। पोलका डॉट जो डॉट जो है वो लेयर जीरो सोल्यूशन है, जिसपे अलग अलग ब्लॉकचेन्स जो है वो बिल्ड कर सकते हो, आप अलग अलग ब्लॉकचेन बना सकते हो, जैसे कि कॉस्मोस है, वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पोलका डॉट का है, जहाँ पे अलग अलग पैराचेन्स जो है वो ब्लॉकचेन्स है, इंडिविजुअल ब्लॉकचेन्स है जो आपस में इंटरऑपरेट और इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। तो वही लेयर जीरो को यूज कर रहा है पोलका डॉट की टेक्नोलॉजी को, और उसके ऊपर इसका जो है वो लेयर वन ब्लॉकचेन है। और ये ईवीएम है, जो ईवीएम है वो हेल्प करेगा जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे यूनिस्वॉप है, वन इंच है, सुशी स्वॉप है, और भी अदर अदर जो एप्लीकेशन है, स्पेशली डीफाई के आवे है, कंपाउंड है, कंपाउंड के साथ इनफैक्ट इंटीग्रेशन भी होना है, काफी सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। एम्पल फोर्थ भी है, वो भी इंटीग्रेट कर रहा है ईवीएम के थ्रू एकाला के ऊपर। तो ये जो है ईवीएम के ऊपर स्टेबल क्वाइन डेक्सेस, लिक्विडिटी स्टेकिंग एंड ऑल दैट, वो आप देख सकते हो। इन्होंने बोला है कि ये ईवीएम प्लस है, तो ये एक सिंपल ईवीएम नहीं है, जैसे कि फैंटम है, चाहे मैटिक है, एक सिंपल आप ब्रिज यूज करके और ईवीएम आप पोर्ट कर सकते हो, करते हो इथेरियम के एप्लीकेशंस को ऑन देयर नेटिव चेन। बट ये उससे वन स्टेप आगे जा रहा है, ये ईवीएम प्लस है, यानी कि ये कस्टमाइजेबल है और ये सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करता है, यानी कि इथीरियम चेन प्लस सबस्ट्रेट, जो पोलका डॉट है वो सबस्ट्रेट की टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो इन दोनों में एक कंपैटिबल है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है व्हेन इट कम टू एकाला। बात करते हैं इसके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या कर रहा है, एक लेयर वन ब्लॉकचेन है डीफाई के लिए, इन सिंपल वर्ड, मतलब ये डीफाई के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है ताकि इस पे जो है वो डीफाई एप्लीकेशन इजीली लॉन्च कर सके, और मैस एडॉप्शन के तरफ ये डीफाई को लेके जा रहा है। बहुत ही माइक्रो पेमेंट्स होगा, गैस भी बहुत कम है ड्यू टू पोलका डॉट की टेक्नोलॉजी के चलते। तो अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो 1 बिलियन जो है इसका टोटल सप्लाई है, जो कि फिक्स्ड है, मतलब इसका कोई भी एनुअल इन्फ्लेशन नहीं है, ये डिफ्लेशनरी है ओवर द टाइम, अभी नहीं है बट इन फ्यूचर ये डिफ्लेशनरी हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ये 1 बिलियन से ज्यादा टोकन इसके अंदर जो है वो नहीं आएगा इन इंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एकाला। और अभी जो है वो ऑलमोस्ट 70 मिलियन जो है वो टोकन सर्कुलेटिंग है फिलहाल। मैंने जो इसका टोकन इकोनॉमिक्स देखा है उसके अंदर 20-22% का हर साल नए टोकन जो है वो सर्कुलेशन में आ रहे हैं, और अगले साल मतलब इस साल के एंड तक, जनवरी तक, नेक्स्ट लेट से 2023 जनवरी, 220-225 मिलियन जो है वो टोकन सर्कुलेशन में होगा। तो अगर हम, मैं देखो 1 या 2 साल का अगर लेके चलता हूं, तो लेट्स टेक 2 ईयर्स, टोटल जो टोकन है वो 4 साढ़े 4 साल में 1.5 बिलियन जो है वो टोकन आ जाएंगे सर्कुलेशन में। तो अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल में लेट्स टेक 500 मिलियन टोकन, यानी कि 500 मिलियन टोकन अगर पूरा सप्लाई में आता, अगर 1 साल की बात करें तो वो क्रिप्टो में, जैसे अगर हम बात करें, क्रिप्टो बहुत फास्टर पेस पे चलता है, क्रिप्टो मार्केट का 1 महीना ट्रेडिशनल जो स्टॉक मार्केट है उसका 6-9 मंथ्स बराबर है। अगर हम 1 साल अगर लेके चलते हैं फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन, तो 250 मिलियन के आसपास भी अगर ये जाता है तो इसका ऑलमोस्ट
300 350 मिलियन का फुली डायल्यूटेड, 350 मिलियन का मार्केट कैप होता है। अगर हम 500 मिलियन भी टोकन लेके चलते हैं जो अगले 2 साल में आना है, तो भी 700 750 मिलियन का इसका जो है वो मार्केट कैप है। अगर आप फुली डायल्यूटेड भी लेते हो तो 1.5 बिलियन का इसका जो है फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है इसके अंदर वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट को अगर हम देखें, क्योंकि ये सिंपल एक डीफाई एप्लीकेशन नहीं है। देखो, पहले मुझे लगा था, मैंने जब बहुत डीपली स्टडी नहीं किया था, तो पहले मुझे लगा था कि ये आवे की तरह और मेकर मेकर की तरह एक एप्लीकेशन है, जहां पे आप एकाला को कोलेटरलाइज करके यू विल मिंट AUSD, इनका अपना स्टेबल कॉइन भी है। तो मुझे लगा ये एक सिंपल यूज केस है, लाइक कंपाउंड, लाइक मेकर। तो मैं इतना ज्यादा इसको भाव नहीं दे रहा था, इतना ज्यादा मेरे को नहीं लगा कि इसमें वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग नहीं है। बट व्हेन आई सॉ कि ये EVM प्लस है, EVM कंपैटिबल है, और पूरा का पूरा ये डिफाई स्टैक जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है टू बिल्ड, तो मुझे लगे कि नहीं, दिस इज सीरियस प्ले। तो मैंने इसको कंपेयर किया है, लेट्स से कि अगर हम बात करें ऑरोरा की, ऑरोरा जो है वो एक EVM सोल्यूशन है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो अदर एप्लीकेशन है, अदर चेन पे, अदर देन नियर, नियर प्रोटोकॉल जो है एक ब्लॉकचेन है, तो उस पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो तो यू नीड EVM। अगर आप इथेरियम से माइग्रेट कर रहे हो तो वो ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जो एकाला कर रहा है फॉर पोलका डॉट। यानी कि अगर आप पोलका डॉट पे आपको अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो यू नीड एकाला EVM। तो अगर मैं इसके साथ नेक टू नेक अगर कंपैरिजन करूं तो इसका जो फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप है वो है 14 बिलियन का, और अपने हाई पे ये 34 बिलियन का फुली डायल्यूटेड, 35 बिलियन का मार्केट कैप था, और अभी भी इसका मार्केट कैप 280 मिलियन है। तो 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन एकाला, और अगर हम बात करें अभी का जो मार्केट कैप है ऑरोरा का, वो है ऑलमोस्ट 14 बिलियन। तो बहुत बड़ा गैप है। सिमिलरली इसका जो बहुत ही जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर है वो है मूनबीम। अगेन ये भी एक EVM सोल्यूशन है फॉर पोलका डॉट, जहां पे जो भी इथेरियम के ऊपर एप्लीकेशंस है या अदर चेन्स पे, दे कैन माइग्रेट यूजिंग मूनबीम सोल्यूशन। तो मूनबीम का भी फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप 6 बिलियन का है। ये एक जनरलाइज एप्लीकेशन, जो भी जनरल एप्लीकेशंस हैं वो पोलका डॉट पे मूव कर सकते हैं, बट जो एकाला है वो बहुत ही कस्टमाइज्ड है स्पेशली फॉर डीफाई। और मुझे लग रहा है कि डीफाई जो है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रही है, और वहां पे बहुत ज्यादा यील्ड होगा और बहुत ज्यादा आई वुड से कि इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट होगा। तो एकाला उस इंडस्ट्री को टैप करने की कोशिश कर रहा है जहां पे बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी इसका बहुत सस्ता है। हैविंग सेड दैट, अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम अगर इसको हम दे, मे बी 1-2 महीना, तो हो सकता है एक बार ये $1 या 80 सेंट के आसपास आ जाए, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो, आप $1.5 के आसपास इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने 2% इन्वेस्ट किया है, और मैं $1.80 के आसपास जो है इसमें और भी एक्यूमुलेशन करूंगा। बट अगेन, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। अगर मैं डीफाई की बात करूं तो डीफाई भी जो है, ये डीफाई का टोटल मार्केट कैप है ये 100 बिलियन से ऊपर का है। अगर ये 2% भी शेयर डीफाई का लेता है, 2-3%, तो इसका मार्केट कैप 2-3 बिलियन होना चाहिए, जो कि अभी 105 मिलियन है। और ये मैं 4 साल की बात करूं, यानी कि अभी 4 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होराइजन होता है जब इसके सारे टोकन जो है वो सर्कुलेशन में आएंगे, तो भी बहुत टाइम है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। अगेन, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और इस चीज को आप बिल्कुल समझें। तो ये तो रहा EVM के साथ, अगर हम मैंने कंपेयर किया जो भी EVM कंपैटिबल सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि मूनबीम है, चाहे ऑरोरा है। अगर मैं बात करूं सिंपल एप्लीकेशंस के साथ, अगर इसको कंपेयर करूं, क्योंकि इसके अपने एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे मेकर है वैसा इसका एप्लीकेशन है, जहां पे आप कोलेटरलाइज कर सकते हो अलग अलग एसेट्स और मिंट कर सकते हो AUSD, और इसका अपना डेक्स भी है। तो डेक्स भी अगर यूनिस्वॉप की बात करें तो फुली डायल्यूटेड जो है वो इसका भी $11 बिलियन का मार्केट कैप है यूनिस्वॉप का। तो यहां भी बहुत ज्यादा इसके अंदर अंडर वैल्यूएशन मुझे दिख रहा है। और भी अगर मेकर की बात करूं तो मेकर जैसा ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आप AUSD मिंट करते हो, तो भी मार्केट कैप 2 बिलियन का मेकर का है। तो वैल्यूएशन मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है।
लेकिन हो सकता है अभी बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है तो बहुत सारे जो फ्री के टोकन्स मिले हैं लोगों को जिन्होंने अपना लॉक किया है क्राउड लोन में डॉट अपना 2 साल के लिए, यहाँ पे इसका टोकनॉमिक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आधा जो टोकन है 50% वो कम्युनिटी के लिए है और ये फाउंडिंग टीम 20%, इसकी भी जो अनलॉकिंग है वो बिल्कुल लास्ट में है, ये अर्ली बैकर्स और फाउंडिंग टीम के। और जो टोकन है आई थिंक 170 मिलियन टोकन जो है वो क्राउड लोन पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा, जो कि 2 साल में आना है सारा टोकन, जिसका 20% जो टोकन है वो अभी अनलॉक हो चुका है और 80% टोकन ब्लॉक बाय ब्लॉक जो होगा वो वेस्ट होगा। तो हो सकता है कि जो कुछ जो क्राउड लोन में देखो ये फ्री का ही है पैसा, अगर देखा जाए तो आपने डॉट लॉक किया और आपको उसके बदले में एकाला मिले, तो हो सकता है लोग कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें, तो मे बी वी कुड सी $1 या 80 सेंट, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट में एक बेयरिशनेस होता है, एक मिनी बेयर मार्केट आता है, तो हो सकता है कि 80 सेंट या $1 या उससे नीचे आ जाए, बट अगर ओवरऑल मार्केट अच्छा रहता है तो मेरे को लग रहा है $1.25 भी जाना बहुत मुश्किल है। तो अगेन इट्स टोटली अप टू यू, मैंने आपको पूरा वैल्यूएशन बता दिया, मेरे हिसाब से इसका वैल्यूएशन बहुत हाई होना चाहिए। फुली डायलेटेड पे भी देखो तो मिनिमम 5 बिलियन का तो वैल्यूएशन, 5 to 10 बिलियन का वैल्यूएशन तो होना ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।